चलिए आपको पौराणिक काल में ले चलते हैं। यह कथा है उस समय की जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विवाह हो रहा था। इस उपलक्ष्य में सभी देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए गणेश जी को वहाँ ना उपस्थित देखकर अब इसमें चर्चा करने लगे। ए, गणेश जी कहाँ हैं? वो अभी तक तो आए नहीं। हाँ हाँ, मैं भी उन्हें को ही तलाश कर रहा हूँ। वो कहीं नजर नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं तूने मन ट्राई नहीं दिया गया? नहीं नहीं विष्णु जी, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला होगा। अगर उन्हें निमंत्रण मिला होता सर्वप्रथम यहाँ पर मौजूद हो।
विष्णु जी गणेश जी को ना बुलाने। तभी देवराज इंद्र कहने लगे, अगर गणेश जी आ ही जाते तो कोई बात नहीं, गोपाल पर मना कर बैठा देंगे और कहेंगे घर का ध्यान रखना, मुझ सब पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारह से बहुत पीछे ले जाओगे। यह सुझाव सभी को अच्छा लगा और श्री नारायण ने भी अपनी सहमति दे दी। हाँ हाँ यही सही रहेगा। देवताओं की शंका दूर हुई। सारे देवतागण भारत में जाने की तैयारी करने लगे। वे बहुत ही खुश थे कि श्री हरि के विवाह में उन्हें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। वे अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे थे और खुशी के कारण सभी यह भूल गए थे कि गणेश जी को तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया। पर यह क्या, गणेश जी तो पूरे साज गाज के साथ विवाह में शामिल होने चले आ रहे हैं। गणेश जी को द्वारपाल बनाकर सारा देवतागण बाराती बनकर आगे बढ़ जाते हैं। गणेश जी द्वारपाल बनकर बैठ तो गए पर उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी नारद जी वहां आते हैं।
लेकर भेजे गए भूषण सेना ने अपना कार्य बहुत ही अच्छे से किया। तभी बालार वहां से गुजरने लगी।